सिंगापुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर संजीव झा ने लॉकडाउन का आदेश जारी किया। त्योहारों को देखते हुए 29 और 30 जुलाई को किराना दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। हमारे साथ नगर निगम आयुक्त हरेश मंडावी जी जुड़े हैं। त्योहार को देखते हुए क्या रियायतें रहेंगे जानते हैं उन्हीं से। सर, ये जो लॉकडाउन है इस पर किस तरह का मतलब किस तरह की रियायतें दी गई हैं? लॉकडाउन को 14 को बढ़ा दिया गया है। अभी 6 अगस्त रात 12 बजे तक इसको बढ़ाकर किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जो प्रावधान है इसमें, जो त्यौहार को देखते हुए बकरीद और अपने राखी के त्यौहार पड़ रहे हैं, इसमें इसको देखते हुए 2 दिन के लिए 29 और 30 जुलाई के लिए 2 दिन के लिए सुबह 6 से लेकर सुबह 10 बजे तक के 4 घंटे के लिए किराना दुकान खोलने का परमिशन दिया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से जो राखी या फिर अन्य जो त्यौहार के संबंधित सामग्रियां हैं वह सामग्रियां किराना दुकान से ही मिल पाएंगी। किराना दुकान मतलब की पूर्णतः बंद रहेंगे कुछ समय के लिए, खुलने के लिए क्या क्या मतलब रियायतें रहेंगे या दूध वाले, और क्या जो है जो इनको छूट मिलेगी इसके बारे में बता दीजिए। दूध वाला तो एसटीटी है जो सुबह अपना 6 से 10 था और शाम को 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए जो खोला गया है, दूध तो रहेगा ही। उसके अलावा जो किराना दुकान जो खोला गया है वह 29 और 30 2 दिन के लिए खोला जा रहा है, जिसमें सिर्फ सुबह 6 बजे लेकर सुबह 10 बजे तक ही खोलने के हम परमिशन दिए हुए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से राखी भी अपना विक्रय कर सकते हैं। बाकी की जो सारी चीजें हैं पूर्णतः जो बंद रहेंगी, उसके अलावा बाकी की सभी चीजें बंद रहेंगी 10 बजे के बाद पूर्णतः बंद रहेंगी मेडिकल सर्विसेज को छोड़कर। ये थे नगर निगम आयुक्त हरेश मंडावी जी, जिन्होंने बताया कि जो कुछ दुकानें हैं त्योहारों को देखते हुए उन्हें रियायत दी जाएगी, बाकी की जो सारी सुविधाएं हैं पूर्णतः बंद रहेंगी। अंबिकापुर से राम कुमार स्वराज।